मेरी जो जर्नी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है बाकी लोगों से रीज़न बीइंग कि ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स होते हैं वो हमेशा ग्रेजुएशन या फिर बहुत से बहुत पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ही मन बना लेते हैं कि उन्हें सिविल सर्विसेज के लिए जाना है बट मेरा जो था वो बहुत प्रोलॉन्ग था uh, क्योंकि मैंने पहले ग्रेजुएशन किया पोस्ट ग्रेजुएशन किया उसके बाद पी की और पी के बाद मैंने एज असिस्टेंट प्रोफेसर डेली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी वो एक अडोक पोजीशन थी और अडोक पोजीशन जब पे जब मैं वर्किंग थी उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं आ, ये शायद मुझे नहीं चाहिए लाइफ में मुझे अब कुछ और चाहिए तो तब से मैंने आ, प्रेपरेशन स्टार्ट किया और आ, कुछ इस तरह के हालात बने मेरे प्रेपरेशन के कोविड का टाइम था और आ, ऐसा आ, ऐसे पड़ाव पे थी मैं अपनी ज़िंदगी के कि मेरे पास यू का एक ही अटैम्प्ट था वही मेरा पहला अटैम्प था और वही लास्ट अटैम्प्ट था मैंने बहुत आ, बहुत शिद्दत से पढ़ाई करी सुबह शाम दिन रात ना त्यौहार ना छुट्टी ना कुछ बहुत बहुत कोशिश करी आ, पर प्रीलिम्स में मैं पेपर वन तो क्लियर कर गई विद विद, विद गुड मार्जिन बट पेपर टू सी सेट मैं आ, फोर मार्क्स ही क्लियर नहीं कर पाई